कोरोना की दूसरी लहर अब प्रदेश के पहाड़ी जिलों के लिए भी आफत बनने लगी है। शुरुआती चरण में मैदानी जिलों में ही ज्यादा संक्रमित मिल रहे थे, पर अब पहाड़ में तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। 1 से 10 मई के बीच की स्थिति देखें तो प्रदेश में 27.6% मामले 9 पर्वतीय जनपदों से सामने आए हैं। पहाड़ में स्थिति इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि पर्वतीय जिलों में जांच की रफ्तार बेहद सुस्त है और संक्रमण दर लगातार बढ़ रही है। आसान भाषा में कहें तो कम जांच के बावजूद काफी ज्यादा लोग संक्रमित मिल रहे हैं। पहाड़ पर जिस तेजी से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, उसे रोकने के लिए एक ठोस रणनीति की जरूरत है। वहीं पहाड़ों पर स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में यदि कोरोना के मामले पहाड़ों पर इसी तरह बढ़ते रहे तो हालात बेहद विकट हो जाएंगे। पहाड़ों पर कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां पर टेस्टिंग हो ही नहीं रही है। लोगों को टेस्ट के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। हालांकि सरकार ने अब इन इलाकों में टेस्टिंग वैन चलाने का फैसला लिया है। मोबाइल टेस्टिंग वैन के जो है RFP रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल दिए गए हैं और बहुत जल्दी जो है वो हम फाइनलाइज करेंगे और ये जो दूरस्थ क्षेत्र हैं वहाँ ही मोबाइल टेस्टिंग वैन जाएगी ताकि ग्रामीण व्यक्ति जो हैं उनको अपने सन्निकट ये सुविधाएं मिल पाए। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी इसको लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह की रिपोर्ट मिल रही है उसे देखकर यही लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी संक्रमण पहुंच चुका है, जो राज्य के लिए बेहद चिंता का विषय है। जिस तरह से रिपोर्ट मिल रही है फील्ड में से, तो ऐसा लग रहा है कि गाँव में भी ये पहुंचा है, संक्रमण पहुंचा है। कुछ तो हमारे जो लोग बाहर रहते हैं वो लोग वापस लौटे हैं, यद्यपि इस बार उनकी संख्या काफ़ी कम है। दूसरा, जो शादी ब्याहों में लोग आए, शादी ब्याहों में क्योंकि पहाड़ों में जगह कम होती है और काफ़ी लोग इकट्ठा होते हैं और वहाँ पर इतनी ज़्यादा देखरेख भी नहीं हो सकती। अब शहरों में तो हम बंदिश कर लेते हैं, पहुँच सकते हैं, कहीं पर गाड़ी पहुँच जाती है, मोटरसाइकिल पहुँच जाती है, लेकिन पहाड़ के गाँव में तो पैदल चलना ही चलना है और ऐसे में हर गाँव में निगरानी रखना बहुत कठिन काम है अगर गाँव के लोग स्वयं सतर्क नहीं हैं। तो उसके कारण भी इस तरह का फैलाव हुआ है और ये ज़रूर जानकारी मिलती है जो हम बातचीत करते हैं। तो इस बार गाँव में काफ़ी संक्रमण हुआ है, जो हमारे चिंता का विषय है। चिंता इस बात की है कि पहाड़ में स्वास्थ्य का आधारभूत ढांचा भी उतना सुदृढ़ नहीं है। ऐसे में हालात बिगड़े तो जनहानि काफी ज्यादा होगी। चिंता इस बात की है कि पहाड़ों पर जांच अभी भी बेहद कम की जा रही है। कई जिलों में तो ये 1000 सैंपल प्रतिदिन भी नहीं है। ऐसे में जांच में तेजी लाने की जरूरत है, तभी पहाड़ पर कोरोना की बढ़ती रफ्तार को रोका जा सकता है। ईटीवी भारत के लिए देहरादून से रोहित सोनी की रिपोर्ट।